मशरूम खाते 4 लाख के आप नहीं खाइएगा। अब हम लोग का औकात क्या, मोदी जी फकीर है ना, फकीरों की औकात है, वही तो फकीर है। सनी हम लोग को भी बना दीजिए महाराज, वैसे फकीर तो हम प्रधानमंत्री है तो नहीं खाएंगे जी, शेर पालिएगा तो महंगा खाना खिलाएगा। कहिएगा अपने आप को, आप अपना 15 लाख के सूट में देश को गरीब बना दिए, अडानी अंबानी के दोस्त बनाते बनाते उनका झोली भरते भरते ही देश बेकार हो गया। अरे खाता दूसरा देश झुक रहा है मोदी जी के पैरों में, नहीं देखिए विदेश में मणिपुर वाले घटना से भी तो इंडिया का छवि बन ही रहा है ना जी विदेशों में। अरे वैसे वैसे घटना होते रहता है ना, सुने मुख्यमंत्री से कह रहा है कि होते रहता है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री आदरणीय जी रहेंगे तब तक तो ऐसे बेटी बहू नंगा होवे करेगी, मोदी जी कुछ नहीं बोले। देश का नाम रोशन हो रहा है ना, आपको कहते रहे वाह वाह करिए मणिपुर के घटना पे की आपकी बेटी बहू भी नंगी होगी कल को खड़ी रहेगी। आप एक मुद्दा पर आपकी बेटी को नंगा करके बहन को नंगा करके घुमा देते, कहिएगा क्या हो गया, बड़ा बात थोड़ी है, मोदी ये चाहिए हमको, कहिएगा तो वहाँ का मुख्यमंत्री कहा नहीं रहेगी। एक ही घटना ऐसे घटना पहले बहुत सारा ऐसा घटना हो गया है ना, तो रोकना चाहिए क्या, भी कहिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है, छोटा मोटा घटना है। आपके घर में बेटी बहन नहीं है? सबके घर में है ना आपकी बेटी बहन। अगर मोदी जी की बेटी को नंगा कर दिया जाता उस जगह पे तो क्या मोदी जी ये बोल पाते? नहीं बोलते, जाके आग लगा देते सबको, एक आम पिता आग लगा देता उसमें। पर मोदी जी को क्या कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम देश के बेटियों का पिता है, ऐसे नामर्थ पिता को शर्म आनी चाहिए जिसके रहते हुए इस देश की बेटियां नंगी हो जाए। पिता कहते हैं अपने आप को इस देश की बेटियों के, अरे वो तो किसी का इंसान कहलाने लायक नहीं है, वो पिता क्या कहलाएंगे जो अपनी औरत का ना हो सके, जो किसी वो देश की महिला देश के लिए हो। देश के लिए अपना औरत थोड़ी तो क्या है, देश के लिए औरत छोड़े जी, देश के लिए जिस संविधान को बदलना चाहते हैं ना, वही संविधान का देन है कि आज एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है, ठीक ना।